आने वाले वक्ता हमारे जो हैं, अल्लाह ने ईश्वर ने उनको इस्लाम का कुरान का बड़ा ज्ञान दिया हुआ है, जलालुद्दीन कासमी साहब जो नॉलेज स्कूल के यहाँ पर उसको चलाते भी हैं, उसके संचालक भी हैं, तो उनको इस शेर के साथ में मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आप ये भी जाने के रिसेंटली उन्होंने संस्कृत में एक ऐसी किताब, एक ऐसा शाहकार लिखकर छोड़ दिया कि उर्दू जानने वाले हजरात को अगर संस्कृत सीखनी है तो उनकी किताब से इस्तेफादा कर सकते हैं। मैं चाहूँगा उसके बारे में भी कुछ उल्लेख वो करें, जलालुद्दीन कासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन किराम, किताब पर और किताब के मुसन्निफ पर गुफ्तगू बहुत हो चुकी। मेरे बड़े मोहतरम साथी हैं, अक्सर हम लोग मिलते ही रहते हैं, और किताब मतबू होने से पहले उन्होंने मुझे वो किताब चेक करने के लिए दिया भी था कि कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या कुछ है तो एक दफ़ा आप देख लें, आप संस्कृत के तालिब इल्म हैं। सो किताब बहुत खूबसूरत है, आप ज़रूर पढ़ें उसको। एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ इस ताल्लुक़ से, वो ये है कि कोई ख़ास बात ऐसी हो कि जैसे गीता में है और कुरान हकीम में, कोई ख़ास बात ऐसी है जो बेहद शानदार हो, और हमारा जो ये मुल्क है ये मुख्तलिफुल मज़ाहिब मुल्क है, और एक बात हमेशा जहन में रखें कि कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो इंसानियत का एहतराम न सिखाता हो, बराबर है, ये तो कायदा है। मैं एक बात, यहाँ रेखा व्यास जी मौजूद हैं, वीना दीदी मौजूद हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स मौजूद हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि गीता में कुछ चीज़ों को दैवी संपदम कहा गया है, दैवीम संपदम यानी दैवी संपदा, ये दैवी संपदा उसको उर्दू में हम कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं एंजेलिक एट्रीब्यूट्स, मलकूती सिफात, कि अगर ये सिफात आ जाएं किसी के अंदर तो वो इंसानियत से ऊपर उठ जाता है। वो मंत्र, वो श्लोक पढ़ता हूँ मैं जिसको गीता में दैवीम संपदम कहा गया है, यानी दैवी संपदा है। अहिंसा सत्यम क्रोधा त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दवम हिरीर चापलम। ये दैवी संपदा है, देख रहे हैं आप। पहले क्या कहा गया? अहिंसा, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, और कुरान हकीम खास तौर से तशद्दुद का रद्द करता है, ये होना ही नहीं चाहिए, इसको रिफ्यूट करता है, आप तशद्दुद नहीं कर सकते। कहते हैं कि वल्लाही, फजाइल इब्ने अय्याज हैं, वो कहते हैं वल्लाही मा यहिल्लु लका अन तुज़ी कल्बन वला खिंजीरन बगैर हक्किन फकैफा तुज़ी इंसानन, के अल्लाह की कसम तुझे ये हक हासिल नहीं है तू किसी कुत्ते को या किसी सुअर को, खिंजीर को तकलीफ पहुंचाए तो इंसान को तकलीफ कैसे दे सकता है। अहिंसा खास रिफ्यूट किया गया इसको कुरान हकीम में जगह जगह। सत्यम सच बोलो, इस दैवी संपदा के अंदर अगर आप देखेंगे एक भी चीज हमारे अंदर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सत्यम सच बोलिए आप, यानी हमेशा आपकी जबान से निकले तो सत्य वचन ही निकले, बराबर है। तो अहिंसा एक, सत्यम अक्रोध है यानी लैक ऑफ एंगर, यानी आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक साथी, एक आदमी आया और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कोई नसीहत कीजिए। औसी नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कोई वसीयत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर। कहा कि फिर कोई नसीहत कीजिए, वसीयत की। कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर। फिर कहा और कोई? कहा ला तग़ज़ब, तीन मरतबा आपने कहा। गुस्सा इतनी खतरनाक चीज है जी। तो अहिंसा सत्यम अक्रोध, ये क्रोध नहीं होना, और अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग। आप देखें कि मेरा हक है और मैं ले सकता हूं,
लेकिन अगर इस हक को लेने में झगड़ा पैदा हो जाए और आप हक पर होते हुए भी उस चीज को छोड़ देते, इट इज कॉल्ड त्याग। सो त्याग कहते हैं, ये कौन करता है? त्याग। शांति रपे शुनम, शांति। शांति बोले तो हमको जो तालीम दी गई है कि जब एक आदमी से मिले तो अस्सलामु अलैकुम सर्वेशु शांति, तमाम लोग एक नहीं, हालांकि एक आदमी से हम बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, लेकिन वो एक आदमी जमा कसे गए, वो प्लूरल है, वो तमाम लोगों के लिए शांति हो, सर्वेशु शांति। अच्छा, तो अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागस शांति पैशुन अपैशुन, पैशुन मीन्स होता है चुगली, गीबत। कुरान हकीम में सख्ती से मना किया गया, वला यग्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से बाज की गीबत ना करे, चुगली ना करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने भाई का गोश्त खाए? कितनी खतरनाक रिफ्यूटिंग है बताइए आप, गीबत पैशुन पर। तो अपैशुन होना चाहिए, पैशुन नहीं होना चाहिए, जैसे क्रोध नहीं हो, अक्रोध हो, पैशुन नहीं होना चाहिए, अपैशुन होना चाहिए। तो अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम, दया। और दया किस पर? भूतेषु, आखिरी जो विभक्ति है छठी, भूते भूतयो भूतेषु। बरत जगह देखो, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामे, बे रामात रामाभ्याम रामे, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामेयो रामेषु, एक राम में, दो राम में, कई राम में। तो भूतेषु, दुनिया की तमाम चीजों के अंदर ये चीज होनी चाहिए, दया। दया हर चीज के ऊपर होनी चाहिए। भूतेषु, कोई भी भूत ऐसा नहीं होना चाहिए, बीइंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर आप दया ना करें। हर एक चीज दया का पात्र है, दया कीजिए आप उस पर, दया भूतेषु। अब बताइए, हर एक आदमी दूसरे जीव के साथ, जानदार के साथ अगर दया का व्यवहार करे, क्या बात है, क्या कहने, क्या तालीम है। आप देखिए, तो अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश वलो लुप्तम लो लुप। संस्कृत भी बड़ी प्यारी जबान है, इसका ग्रामर इंतहाई सिस्टमेटिक है। मैं तो ग्रामर का तालीम हूं, ग्रामर का स्टूडेंट हूं मैं संस्कृत के। तो लो लुप, लो लुप कहते हैं हिर्स, हिर्स लालच होना आदमी के अंदर बहुत ज्यादा, लालच। आदमी कहते हैं कि सादी रहमतुल्लाह ने कहा है कि रुदय तंग बयक नाने ते ही पुर गर्दत और नेमते रूए जमी पुर नकुनत दीदय तंग, कि खाली अतड़ी एक रोटी से भर जाती है लेकिन रूए जमीन की पूरी नेमत मिलकर एक लालची की आंख नहीं भर सकती। रुदय तंग बयक नाने ते ही पुर गर्दत नेमते रूए जमी पूर्ण कुनर दी दे थंग, तो ये मना किया गया इसे। लो लुप्तम मार्दवम, मार्दम मार्दव कहते हैं नरमी को। हर एक आदमी दूसरे के लिए नर्म हो जाए, क्या एक एक तालीम गजब की है। इसी वजह से इन तमाम चीजों को, इसके बाद जो दूसरा श्लोक आ रहा है उसके अंदर इसे दैवीम संपदम कहा गया, यानी ये दैवी संपदा है, ये एंजेलिक एट्रीब्यूट्स हैं, फरिश्तों की सिफात हैं। ये इंसानियत से उठ करके आदमी इन तमाम सिफात से मुत्तसिफ हो जाए तो ये इंसानियत की सतह से उठ जाता है, कमाल की चीज है नहीं। और इन तमाम चीजों को आप अलग अलग कुरान में तफसील के साथ देखेंगे, कोई भी चीज ऐसी जो बयान की गई है उसकी तफसील कुरान हकीम में मौजूद है, ये कमाल है जी। मार्दवम हिरीर, हिरी हिरी, हिरी कहते हया को, लज्जा को। आज देखिए बेहयाई चारों तरफ फैली हुई है, लज्जा कहां है? हिरी, हिरी की तालीम दी गई, हिरी मैंने लज्जा शर्म हया। फिर चापलम, चापल अचापलम, अचापल संधि हुई है यहां पर, अचापल। चापल कहते हैं एक्साइटमेंट, कोई बात किसी ने कह दी और आप जज्बात में आ गए और आपने आस्तीन चढ़ाना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड चापल। तो अचापल भी होना चाहिए, यानी आप किसी भी बात पर जो नागवारे खातिर गुजरे आप आस्तीन चढ़ाने लगे। देखिए कितनी चीजें हुई इसमें, 8-10 बातें यहां पर कही गई हैं, कमाल की बातें हैं। और इन तमाम चीजों को दैवी संपदा कहा गया है, कमाल की तालीम है, कमाल की बात कही गई है, जवाब नहीं है इस मंत्र का और इस श्लोक का जवाब नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि
एक एक चीज जो बयान की गई है यहां इजमालन मुख्तसरन ब्रीफली कुरान हकीम में एक एक चीज की तफसील है और एक एक चीज को तबाही बयान की है। तो हम मुबारकबाद देते हैं मोहतरमी जनाब साजिद सिद्दीकी साहब को, बहुत बड़ा काम आपने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझसे तो बराबर जुड़े ही रहते हैं, हम लोग बैठते रहते हैं और कब छपना है, क्या करना है, कैसे क्या है, उस पर गुफ्तगू भी होती रहती है, वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मिलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस पर आपको मुबारकबाद देते हैं। सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ और मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, जाओ किसी मां के लाल को हिम्मत हो तो तरकीब करने की जरूरत है।